सामने आया है। विधानसभा चुनाव में बड़े पैमाने पर फर्जी मतदान की आशंका जताई है। जोटवाड़ा में बड़ी संख्या में फर्जी वोटर आईडी मिलने पर फर्जी मतदान की जताई संभावना। न्यूज 18 से खास बातचीत में फर्जी वोटर आईडी को लेकर चुनाव आयोग सहित केंद्रीय एजेंसियों से शिकायत की बात कही है। देखिए बीजेपी के जोटवाड़ा प्रत्याशी कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर ने क्या कुछ कहा। हमारे साथ जोटवाड़ा से भाजपा प्रत्याशी पूर्व केंद्रीय मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ हैं और जिनके सामने ये पूरे जो फेक वोटर आईडी कार्ड भी सामने आए। सर, ये फेक वोटर आईडी कार्ड किस तरीके से कहां से आए? देखिए, लोकतंत्र की हत्या करने की कोशिश, जो नाकाम कोशिश कांग्रेस की, राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने करी, यहाँ के जो अधिकारी हैं या मैं कहूँ सरकारी तंत्र का गलत इस्तेमाल करके उन्होंने आइडेंटिफाई करा होगा कि कौन कौन यहाँ पर उपस्थित नहीं रहते और फिर उनके हजारों लाखों की संख्या में इन्होंने फर्जी वोटर आईडी कार्ड बनवाए और फिर दूसरे जगह से यहाँ पर लड़कों को लेकर आए और इस तरह से ये हमारे कार्यकर्ताओं ने ये पकड़े हैं सारे के सारे। ये कुछ एक तो अरेस्ट भी हुए, बहुतों को भगा दिया गया वहाँ से, बहुतों ने वोट करा होगा। ये देखिए, ये हैं सारे के सारे फर्जी वोटर आईडी कार्ड जो वहाँ पर पड़े हुए मिले। इस तरह से आप देखिए, ये कांग्रेस ने पिछले मेरे ख्याल से चुनाव की तैयारी में जनता की सेवा करने की जगह ये कराए उन्होंने। एक फर्जीवाड़े से ये चुनाव जीतना चाहते थे, लेकिन निश्चित तौर पे ये नाकाम है कांग्रेस वाले और पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे सरकार बना रही है। लेकिन फिर भी क्योंकि लोकतंत्र पर एक हमला हुआ है, लोकतांत्रिक तरीके पर एक हमला हुआ है और इसके अंदर कौन कौन सी एजेंसी शामिल हैं इसके ऊपर तो इंक्वायरी होनी चाहिए। हो सकता है कि सरकारी तंत्र का गलत इस्तेमाल किसी प्राइवेट एजेंसीज ने करा हो। ये कांग्रेस की, राजस्थान की सरकार ने कौन सी प्राइवेट एजेंसीज को हायर करा था अपने चुनाव के लिए, हो सकता है वो इसमें शामिल हों, तो उनके ऊपर तो FIR होनी चाहिए, उनके ऊपर पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए। क्योंकि आज ये कर रहे हैं, कल और बड़ा करेंगे जब तक इन सबको रोका ना जाए। क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा बनाए गए वोटर आईडी कार्ड अगर फर्जी निकलते हैं और लोकतंत्र को प्रभावित करने की कोशिश की जाती है तो इसके गंभीर परिणाम आने वाले समय में हो सकते हैं। कैमरा पर्सन शेर सिंह के साथ राकेश शर्मा, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर।